कि आज समाज ने ना पार्टी देखी ना कोई व्यवस्था देखी और सबरे के सबरे मेल मिलाख है प्रीतम सिंह उइके के प्रत्याशी बनाने वाली जही सकल गंगा को सेवा जोहार करता हूँ और आपके चरणों में सेवा जोहार इसलिए जोहार करता हूँ कि बने रहे जब तक मेरी जीवन में ऐसा मुकाबला आज तक ना मध्य प्रदेश में हुआ होगा भैया और ना आज तक धरती में ऐसी बात लिखी होगी। लोग पार्टी के लिए मरते हैं, लोग पार्टी के लिए जीते हैं, पर बाहरी मेरी समाज जिस समाज में पला बढ़ा वो मेरे लिए मर रहे हैं और जी रहे हैं, यही मेरा सौभाग्य है। आज मैं इस मंच के माध्यम से एक बात और बता दूं, आज समाज ने ऐसी भीड़ उठाई है महेंद्र भैया, मैं प्रत्याशी होने के नाते मैं 2 घंटा कम काम कर रहा हूँ, परंतु एक एक मतदाता पूरे बूथ के अंदर में काम कर रहा है, जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज मंच की गरिमा, मंच में ओबीसी के लोग बैठे हैं, मंच में एससी के लोग बैठे हैं, मंच में मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं और वे बैठे भी इसलिए हैं, आपको पता है प्रीतम सिंह उइके की कारवार ओबीसी महासभा में जही महेंद्र भैया यहाँ है जिनके बारे में एक ही पीरो गम छ इनके मूल में खापा बड़ दे उठाना में बांधो तो भैया आपने पूरे मध्य प्रदेश भर में ओबीसी के लोगों में पीरो गम छ बांटने वाले जही ओबीसी भैया यहाँ। आज हमारे भैया अहिरवार जी बैठे है, कैलाश देहरिया जी बैठे है, इनके साथ मेरा चोली और दामन का साथ है। जहाँ एसटी की बात आती है तो मेरा छोटा भाई एससी भी मेरे को गले लगा रहा है, ओबीसी भी हमारा भाई गले लगा रहा है, मुस्लिम समाज के लोग भी गले लगा रहे हैं। फिर डरना किस बात की, फिर कोई बात की डरे नहीं होना चाहिए, पर एक ही बात की बात मैं आप सब लोगों से कहूंगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर पूरे केवलारी विधानसभा भर में एक ही चर्चा चल रही है भैया महेंद्र भैया, एक ही चर्चा चल रही है। जैसे हमारा छोटा भाई रावण साहू के ने बोला, यहाँ पर जनवन की चलाई जा रही है और यहाँ धनवानों की लड़ाई लड़ी जा रही है। निश्चित मैं मानूंगा हमारी यहाँ पर मातृशक्ति बैठी है, सबके मन में एक ही बात की पीड़ा है। हमारे रहीवार जी ने एक एक बात अक्षर साहब बताए, सबने बड़ी दृश्य देखे, पर मैं वो दृश्य बताना चाहता हूँ आपको। एक तेरी समाज की हालत फिर भी तेरा खून नहीं खोला, खून नहीं वह पानी है। अरे पानी भी रखते हैं समाज के लोग, अभी तो हमारी जवानी है, जवानी। आज हमारे पास में अहिरवार जी एक ही बात किनाने कह रहे थे, भैया जिस दिन मणिपुर की घटना पूरे मध्य प्रदेश के टेलीविजन में नहीं व्हाट्सएप में जब लहराई, तो एक भी महिला ऐसी नहीं हो जिनके आंखों से आंसू नहीं निकला होगा और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा होगा जिनने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को कोसा नहीं होगा। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, आज इतनी बात दिल से कहना चाहता हूँ और आप लोगों के विश्वास पूर्वक बता देना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, आप लोगों का लोग भांति भांति के बात बताएंगे, भांति भांति की चर्चा बताएंगे। जब प्रीतम सिंह उइके है, प्रीतम सिंह उइके ने तो जिस दिन केवलारी विधानसभा में नाम दाखिल करने के बाद में जैसे ही बैलेट फार्म हुआ उसी दिन प्रीतम सिंह उइके चुनाव जीत चुके थे। उसी दिन प्रीतम सिंह उइके के चरणों में 183 आ गई थी, पर प्रीतम सिंह उइके ना बिकना वाला है ना प्रीतम सिंह तुम्हारी समाज की और मेरी समाज की आन बान को झुकने देने वाला है। बस नाम है प्रीतम सिंह उइके की। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, जही बेदरा के नाने में अभी कांग्रेस के मंसद खुद के आया था और यहाँ समाज ने दोनों हाथ से अंगोखे भले पार्टी के लोगों ने टिकट नहीं भी दिए होंगे, पर मेरे पार्टी के समस्त कार्यकर्ता प्रीतम सिंह उइके के कारवाह में शामिल है। ऐसे बड़ी खूबसूरती बात और क्या होना चाहिए। आज गोंडवाना के लोगों ने कसम खा के रखी थी दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने, पूरी आंदोलन में अपने जीवन में ऐसा चलाया, पर निश्चित इस बात का कहूंगा दादा के आंदोलन को कोई ईमानदार सिपाही नहीं मिला, इसलिए दादा की आंदोलन में जो टूटोर फूट आई। आज दादा हीरा सिंह मरकाम के बारे में मैं जब भी चिंतन करता हूँ, वो महापुरुष को जब देखता हूँ, महेंद्र भैया एक बात बताऊं, अगर कोई विधायक सांसद बनेगा तो कितने लोगों को रोजगार देगा, कितने लोगों की नौकरी लगाएगा, कितने लोगों की बथा बदलेगा, पर दादा हीरा सिंह मरकाम ऐसा वो हीरा है
आज हीरा सिंह मरकाम के नाम से और गोंडवाना के आंदोलन के नाम से बाजू में दुकान लगी हो तो पुस्तक काफी बेचने वाले प्रोफेसर बन गए, गीत गाना गान वाले गोंडवाना के मास्टर बन गए, पीलो गमछा बेचने वाले पीली धुतिया बेचने वाले धनवान बन गए। हमारे बीच में बैठे हैं पेंटाना के पंडा पुजारी, दादा गोंडवाना के नाम से भभूत देने वाले बड़े बड़े डॉक्टर बन गए। कितने रोजगार देगा दादा हीरा सिंह मरकाम? Thank you.